अल्हम्दुलिल्लाह कफा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीन इस्तफा अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बाहैसियत इमाम ख़तीब मरकज़ी जामा मस्जिद मेंढर दार लिफ्ता का ख़ादिम होते हुए मैं उम्मत मुसलमा को इस मसले में वज़ाहत करूँगा कि चंद अय्याम पहले एक फतवा हमारी जमात के मुक्तदर मुफ्तियान किराम का मुत्तफ़िका तौर पर वो जारी किया गया था और उसमें वजाहत के साथ ये कहा गया था कि हमारे अकाबरीन के हाथ में जुमे की इजाज़त कतन नहीं देते हैं, लिहाजा तमाम फतवाजात जो हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि देहातों में जुमा नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर किसी कदीम ज़माने से किसी जगह, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं, कभी कभी जो देहात थे वो कभी मरकज़ हुआ करते थे और आज वो देहात बने हुए हैं, जहाँ कहीं कदीम ज़माने से जुमा है उसको बंद नहीं करना, अलबत्ता वहाँ भी नमाज ज़ोहर अदा करने का हुक्म है। लिहाजा जो नए जुमे देहातों में काम किए जाते हैं ये कतन मना है, इसलिए कि ज़ोहर फ़र्ज़ है, जुमा फ़र्ज़ नहीं है देहाती के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिनका जुमा नहीं है, जैसे बीमार पर जुमा नहीं, जो ज़यीफ़ है जो चल के जामे मस्जिद ना आ सकता उस पर नहीं है, मुसाफिर पर जुमा नहीं, मस्तूरात पर जुमा नहीं। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो जुमा से मुस्तस्ना हैं और अगर ख़्वाम खां अपनी मर्ज़ी के साथ इस्लाम को चलाया जाए, इस्लाम कतन इजाज़त नहीं देता, बल्कि हुक्म शरीयत का ये है कि देहात में जुमा नहीं ना पढ़ा जाए और ना होता है। लिहाजा जो जुमे का असली पैगाम है मरकज़ी जामे मस्जिद जो शहर के अंदर